गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसिज हरप्रीत कौर आज आपके सामने आपके हिंदी लिटरेचर की बुक पावनी का चैप्टर सेकंड मुक्ति का लास्ट पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैं चिड़िया के इस स्वर में अकंठ डूब गया। सारा शरीर छनछना उठा। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो इस तो के जवाब में बुक शेल्फ में खर बना पसरी चिड़िया बराबर ची ची कर रही थी। असरानी परिवार के घर में जो चिड़िया थी उसको देख के लेखक का मन जो था वो क्या हो गया था, परेशान हो उठा था और उसे अपनी पत्नी के जो शब्द थे वो उसे याद आ रहे थे। और जो एक चिड़िया लेखक के घर के अंदर अपना घोंसला बना रही थी वो भी चींची कर रही थी। 2 दिन अपनी अर्थहीन व्यवस्थाओं के बीच यह सब कुछ भुला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा सभी ने मुझे पकड़ लिया। लेखक 2 दिन तक अपने घर के काम करता रहा और वह उस चिड़िया को भूल गया जो अंसारी परिवार में के घर में बंद थी। और फिर जब 2 दिन के बाद लेखक अपने घर आया उसे उसके घर वालों ने पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआसी हो चली थी, यानी लेखक की पत्नी भी बहुत परेशान हो चुकी थी और बोली, यह पाप है, अब यह देखा नहीं जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। खिड़की के बाहर सिर पटक रहे चिड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है। कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और मचल रही थी, बाबा जी छुड़ाइए ना, चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज़ बाबा जी। मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था, पत्नी बच्चे बहुएं पोते पोतियां और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे, इसे बचाइए। लेखक को उसके घर वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया कि उस चिड़िया को असरानी परिवार की खिड़की से बाहर निकालिए। लगातार 2 दिन से वह वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं और जो चिड़ा है बाहर उसने शीशे पर चोंच मार मार के अपनी चोंच को भी जख्मी कर लिया, अर्थात उसमें से खून बहना शुरू हो गया है। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने वाली बंद खिड़की। खिड़की के अंदर थकी हारी भूखी प्यासी सहसी हुई चिड़िया जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। पास में छोटा सा बच्चा सहमा टुकर टुकर देखता था। जब लेखक ने देखा तो क्या था कि वो चिड़िया शीशे पर अपनी चोंच मार रही थी और उसके पास बैठा उसका बच्चा चुपचाप सहमी हुई आंखों से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। कभी चिड़िया बच्चे को चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चींची करती और उसे धीरज बधाने की कोशिश करती और फिर कांच का प्रहार करने लगती। बाहर चिड़ा घबराया हुआ लगभग परास्त कांच पर लगातार प्रहार कर रहा था, उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोंच करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत न हारे, वह जरूर सफल होंगे, परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। चिड़ा और चिड़ी दोनों लगातार प्रयास कर रहे थे उस घर से बाहर निकलने की और चिड़िया अपने बच्चे को भी हौसला दे रही थी। मुझे लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी, किंतु कितनी थक गई है, कितना घबराई हुई है और अब और शक्ति नहीं रही है और इस चिड़िया के साथ उसका बच्चा भी मर जाएगा और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मैं क्या करूं। जब लेखक ने यह दृश्य देखा तो लेखक के मन में विचार आया कि यह चिड़िया जरूर मर जाएगी और उसके दुख में उसका चिड़ा भी मर जाएगा और उसका जो बच्चा है वो भी मर जाएगा। तो लेखक ने अपने मन में सोचा कि अब मैं क्या करूं, मैं इस किस प्रकार से इनकी सहायता करूं। मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची, अभी भी गुस्सा हो, बचाओ ना, बचाओगे नहीं, बोलो। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ चलो छत पर। जब लेखक से रहा नहीं गया तो लेखक ने अपने छोटे बेटे जयदीप को अपने साथ लिया और घर की छत पर चला गया। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच अब और तटस्थ नहीं रह सकते। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा और फिर एक दम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगा, वह अब फिर खिड़की की चौखट
तक गई। वह वहां अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश में विस्तार में तैरने लगी। आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या वो है और कैसा होता है यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी। चीं 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 चीं, अच्छा किया अच्छा किया। मुझे एहसास हुआ कि इस चीं चीं में भी मुक्ति की मिस्री खुली हुई है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षियों को आश्रय देना चाहिए और हमें पशु पक्षियों पर दया दिखानी चाहिए, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ साथ लेखक बोलता है कि सभी जीवों की स्वतंत्रता का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। थैंक यू बेटे।